हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखेंगे मैंने टेंथ के लिए जो आपका फाइव प्रश्नावली बनाई थी समांतर श्रेणी की, नहीं चलेगा काउंटिंग चलेगा ठीक, तो प्रश्नावली बनाई थी 5A। अब उसी के आगे देखेंगे प्रश्नावली 5A ठीक, कि समांतर श्रेणी के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं कि वह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी एपी है कि नहीं है। ठीक, तो अब उसी के हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद ज्ञात करना है, मतलब ये कौन सी श्रेणी है आपकी, समांतर श्रेणी है जो दी गई है। ठीक, समांतर श्रेणी। अब हमें इसे चेक करना है, हमें श्रेणी को बनाना है कि हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक, तो देखेंगे आपको पहला पद दिया है A1 मान, A1 बराबर कितना दिया है 3, यानी प्रथम पद दिया आपको श्रेणी का। ठीक, अब हमें दूसरा निकालना, तीसरा निकालना, ऐसे हम श्रेणी बनाएंगे। तो हमें एक वैल्यू दी an बराबर 3an-1+k2, तो हम यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे 2। ठीक, एक भी रखेंगे क्योंकि एक रखेंगे तो हमें A1 प्राप्त होगा, A1 तो हमें पहले से दे दिया 3। ठीक, तो n बराबर क्या रखेंगे 2, तो A2 बराबर 3 गुणे ए 2-1+2, यानी A2 बराबर 3 गुणे ए, 2 में से गया 1 बचा, यानी A1 हो जाएगा प्लस का 2, यानी A2 बराबर 3 A1। A1 का मान हमें पहले से कितना दिया था, कितना दिया था 3, 3 रख देंगे प्लस के 2, यानी A2 बराबर हो जाएगा आपका 3 का 9+2, 9 और 2 11। ठीक, इसी प्रकार n बराबर कितना रखेंगे 3, तो A3 बराबर 3a-1+2, तो A3 बराबर 3a2, A2 हो जाएगा ना, तो A2 का मान हमने कितना निकाला 11, यहाँ पे A2 हो जाएगा प्लस का 2, तो 3 गुणे A2 का मान 11+2 हो गया आपका, यानी 11 3 33 प्लस का कितना 2, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 35। A3 बराबर कितना हो गया 35। इस प्रकार हम और भी बता सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हम और भी पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या टाइम मिस्टेक तो नहीं करती मैंने, 3 का 9 और 2 11, हाँ ठीक है बिल्कुल राइट है, 11 3 33 आपका बिल्कुल सही है। हाँ, तो कितना हो गया A3 हो गया आपका 35। इसी प्रकार हम A4 भी निकाल सकते हैं, हमें कितने पद बताने हैं 5 पद बताने हैं। A4 क्या होगा आपका 3a3+k2। ठीक, जब जो 3 में यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 4 में कितना आएगा 3, तो 3 × 35 प्लस का 2, यानी 5 या 15, 3 का 9 और 1 10, यानी 107। ठीक, ऐसे आपका A5 भी निकल जाएगा 3a4+k2, यानी 3 107+k2, 7 के 21, 331 प्लस के 2, यानी कितना हो जाएगा 642। ऐड करना हमें, ठीक, तो 2 × 3 323। इस प्रकार आपका प्रथम पद दिया था, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकाल लिया और पांचवा निकाल लिया। इस प्रकार हम इस सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इस एक्सरसाइज से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, ब्रैकेट भरवाते हैं हमसे, देखो कैसे क्वेश्चन सेकंड क्या बनेगा आपका, तो देखेंगे कैसे आपका पहला सिंपल क्वेश्चन ले लिया जाए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, पता नहीं वहां पे क्या भरा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया आपका 2 कोष्टक और कितना दिया 26, ठीक, हाँ यही दिया। अब हमें बताना है कि इसके बीच में कितना भरा जाएगा, ये कौन सी श्रेणी है आपकी, समांतर श्रेणी है। ठीक, जितने भी सवाल है वो सब कौन सी श्रेणी के है, समांतर श्रेणी के। तो सॉल्व करें आपको A1, देखो ये प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद, यानी A का मान कितना दिया आपको 2, दूसरा पद नहीं दिया कोई बात नहीं, पर कौन सा दिया तीसरा पद, क्या होता था तीसरा पद, a+2d, आपको बताया ना मैंने पिछली वीडियो में कि nवां पद क्या होता था, nवां पद a+1 होता था n-1 × 2d, ऐसे तीसरा क्या होगा a+1, 3-1 यानी 2 होगा ना, तो इसका मान कितना दिया आपको 26, इसका मान कितना दिया आपको 26, और इसका मान कितना दिया था, ए का मान दिया था 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान रखे दे रहे, ठीक, समीकरण 2 में ए बराबर 2 रखने पर रख देंगे। ठीक, ए एक जगह पर रख दो आप, 2+2d बराबर 26, अंक करें, और ये क्या है आपका
अचर, देखो आपका अचर हो गया, चर हो गया और अचर हो गया। अचर को कहाँ ले जाएंगे, अचर की तरफ, तो 2d बराबर 26 प्लस का दोस्त तरफ हो जाएगा माइनस का 2d बराबर कितना 24, तो d बराबर कितना आएगा आपका 12, डी बराबर कितना आएगा, दो लोग मिलकर 26 रुपए खर्च कर रहे थे, एक लोग कितना करेगा 12 करेगा, यानी हमारा सार्वांतर आ गया, डी का मान कितना आ गया 12 और प्रथम पद कितना था आपका 2, तो हमें कौन सा डिब्बा बताना है ब्रैकेट, दूसरा पद, दूसरा पद ज्ञात करना है हमें, तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस एक कम a प्लस डी, ठीक होता कि नहीं, तो d का होता है तीसरा पूछे, तो a का मान 2 और d का मान 12, यानी 12 और 2 14, 14 बार देंगे क्या होगा आपका आंसर, ठीक। इस प्रकार अगर हमसे चौथा पूछते तो क्या होता आपका a प्लस 3d, तो यहाँ पर रख देते 2 प्लस 3 बड़े कितना 12, यानी 2 प्लस 12 थी 36, यानी कितना हो जाता आपका 38, इस प्रकार आपके और भी मान निकल आते, ठीक। इस प्रकार हम इसके आगे के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है इस चैप्टर से, तो अब कभी कभी बार आपके और क्वेश्चन क्या है, हाँ एक आध क्वेश्चन कल का भी रिपीट करेंगे रन, ठीक, जो मैंने कल कराए थे उसके भी एक दो क्वेश्चन में रिपीट करेंगे रन। जैसे आपको दिया है 1/2, 1 ये आपका क्वेश्चन है, 1/2, 1, 3/2 डॉट 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 का कितने मापद ज्ञात करना है, 100 मापद, 100 पद ज्ञात करना है, ये पहला दूसरा तीसरा एक कितने आएंगे 100 मापद, यहाँ पे कितना भरा आ जाएगा, यानी हमें n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, ठीक। पदों की संख्या कितनी दे रही है उन्हें कि 100 है, अब हमें वो बताना है कि कौन सा पद है वो 100 माप, ठीक, तो n बराबर 100 दे दिया मैं, यानी लास्ट पद बताना है, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा l बराबर कितना है लास्ट पद, l या an बराबर कितना है 100 है, लास्ट पद है आपका 100, ठीक। और प्रथम पद क्या होता है, a का मान आपको दिया है 1/2, और d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा माइनस के प्रथम पद, अब एक में से आधा गया तो क्या बचेगा आपका, आधे तो बचेगा, चाहे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक। अब एल बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, एल या ए एन बराबर, इसी को एल भी बोलते हैं, इसी को ए एन भी बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एल, एल का मान कितना दिया आपको 100 बराबर ए प्रथम पद 1/2 प्लस एन माइनस वन, ठीक, और एन माइनस वन, ठीक, और लास्ट पद हमें बताना है, सॉरी हमें कल गया, इसका मान ज्ञात करना है, एल का हमें मान बताना है कि 100 पद क्या होगा, लास्ट पद क्या होगा, लास्ट पद हम सेम लिखेंगे एल को ही, ठीक। तो 1/2 प्लस एन माइनस वन, हमें कितने पद बताना है, इनकी जगह पे कितना लिखेंगे 100 माइनस के ए बड़े डी का मान आपका 1/2, तो लास्ट बराबर, लास्ट पद बराबर 1/2 प्लस 100 में से गया 99/1/2 है ना, तो सेम उतना ही हो जाएगा 1 प्लस 99/2, ठीक, 1/2, तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, अब 2 एकम 2 यानी 1 बचेगा, 2 एकम 2 यानी कितने बचेंगे 99, यानी हो जाएगा 100/2, यानी कितना आ जाएगा 50, यानी जो इसका आपका कितने मापद 100 मापद, 100 पद कितना होगा आपका 50 होगा, ठीक। इस प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखें, ठीक फ्रेंड्स आगे देखेंगे, आज का आखिरी सवाल है आपका, देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है हमें, 31वां पद, इसका हमें क्या बताना है मान, 31वां पद क्या होता है आपका a प्लस 30d का हमें क्या बताना है मान बताना है, ठीक, जिसका दिया है 11वां पद कितना है आपका 38, 11वां पद इसका मान कितना दिया आपको 38 दिया, 11 पद का मान, ठीक, और जो 16वां पद है आपका, 16वां पद इसका मान कितना दिया आपको 73 दिया, ठीक, और हमें बताना है 31वां पद, तो 11वां पद क्या होता है आपका a प्लस 10 एकम 10 डी बराबर कितना हो जाएगा 38, समीकरण 1। अब 16वां पद क्या होगा a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73, समीकरण 2। अब हम एक और दो को हल करके a का मान और d का मान इस समीकरण में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d, ऐसा करो बड़ी संख्या को, बड़ी वाली समीकरण को आप
ऊपर लिख लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक। हाँ, अब क्या करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ए वाला क्या हो गया, कट गया, प्लस के 15 डी में से माइनस का 10 डी गया यानी 5 डी, बराबर 73 में से माइनस का 38 यानी 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5 बचा, कह दिया 1 यानी इतना हो गया, हो जाएगा 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 यानी 5 डी बराबर 35, तो डी बराबर 35 बटे 5, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो डी का मान आया वो समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे, समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर, रख देंगे मान, तो रख दो क्या होगा, ए प्लस, ठीक, 10 बड़े डी की जगह पर 7 बराबर 38, तो ए प्लस और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या होगा हमारा 70, ठीक, बराबर कितना 38। अब 70 को शिफ्ट करेंगे हम उस तरफ आगे गणित के लिए, तो ए बराबर 38 माइनस के 70, यानी छोटी संख्या में से कौन सी संख्या घटानी है, अब हमें बड़ी संख्या घटानी है, तो क्या बचेगा, 2 और कितना बचेगा, 3, यानी कितना बचेगा, एक मान 72, कितना बचेगा, सॉरी 32, काय के बचेगा लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या में से घटाना छोटी संख्या, ठीक, तो एक मान आ गया हमारा और बी का मान आ गया, हमें बताना कौन सा पद था, कितने मां पद, 31 मां, यानी ए प्लस 30 डी, यानी माइनस 32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना 7, माइनस के 32 प्लस 7 21, यानी 210 में से हमें क्या घटाना है, 32 को घटाना है, क्या होगा आपका 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4, यानी 11 में से 4 गया यानी कितना बचा 7 बचा, यानी माइनस के 178 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, क्या प्लस, हाँ सॉरी प्लस के बचेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ठीक। हाँ प्लीज दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।